कलेक्टर नीरज सिंह के मार्गदर्शन और शैलेंद्र बड़ोनिया, तहसीलदार उप पुलिस अधीक्षक पराग सैनी और सीएमओ नवनीत पांडे के नेतृत्व में मीनाक्षी चौक व उसके आसपास की दुकानों के शेड व अवैध रूप से रखी गुमटियों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा बताया गया कि नगर के सौंदर्यकरण के लिए आने वाले त्योहारों को देखते हुए अतिक्रमण की मुहिम चलाई जा रही है। अतिक्रमण के कारण सड़कों पर आए दिन ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। वहीं दुकानदार व्यापारियों में काफी रोष देखा गया। उनका कहना है कि त्योहार के टाइम उनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। नगर पालिका अधिकारी ने बताया छोटी गुमटियों वालों को व्यवस्थित जगह दी जाएगी। दुकानदारों का कहना है उन्हें अतिक्रमण के पहले कोई सूचना नहीं दी गई और नगर पालिका अधिकारी का कहना है उन्हें 2 दिन पहले नोटिस पहुंचा दिए गए। पूरे शहर को सौंदर्यीकरण की दिशा में ले जाने के लिए जो भी पूरे शहर में अतिक्रमण बसा हुआ है, फैला हुआ है, उसको तोड़ करके और उन जगहों पर सौंदर्यीकरण के जो भी प्रयास किए जाते हैं वो करने का हमारा आगे विचार है नगर पालिका का। अभी तक कहाँ से अतिक्रमण था? इसके पहले गांधी पार्क का जो एरिया, गांधी चौक का एरिया है, वहाँ पर हुआ है। NVM कॉलेज का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ ऐसे वो सभी छोटी छोटी गुमटियाँ पूरे शहर में जहाँ पर भी लगी हैं, इन सबको टारगेट करते हुए हम उनको अतिक्रमण से मुक्त कर रहे हैं और ये अभियान जो है पूरे शहर में जगह जगह पर आगे भी आने वाले दिनों में चलता रहे। नर्मदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।